फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेसू का कोल्हापुरी चप्पल। तो ये इस तरह का है। चलिए मैं अब आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ मेसू का ये स्लीपर, और ये मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो ये मैंने मेसू से लिया है। तो ये देखिए, मैं ओपन करने वाली हूँ। ये है कोल्हापुरी स्लीपर, और इसका रिक्वेस्ट मुझे शायद साल भर से आ रहे थे, बट मेरे पास नहीं था, बट इस बार मैं इसको ख़रीद ली हूँ। तो चलिए मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ कि ये कैसा है। मुझे इस टाइप से रिसीव हुआ है, और इसमें डब्बा वगैरह कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मुझे मिल गया है। इस टाइप से प्लास्टिक में बांध के मिला है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। उसको देना चाहिए था कम से कम डब्बा में, ताकि और खूबसूरत लगे। फोर्टी 42 साइज लिखा हुआ है। इसको मैंने बुक किया था 9 नंबर साइज़ में, जिसमें घुंघरू भी है। तो ये देखिए, ये है कोल्हापुरी स्लीपर, और इसको मैं मंगाई हूँ मैसो से, और ये मुझे मिला है 300 के लगभग। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, अभी मुझे प्राइस याद नहीं है। तो ये इसमें साइड साइड से पॉम पॉम लगा हुआ है छोटे छोटे, और इसमें धागे का वर्क है। और यहाँ पे देखिए, ये ऊन का बना हुआ है, गुलाबी है, काला है और पीला है, और 3 घुंघरू लगे हुए हैं। ये यहाँ पे इस टाइप की दी हुई है, साथ में यहाँ लैस डाल दी गई है, लैस की एक पट्टी, और सोल इस टाइप का है, फ्लैट है बिल्कुल। तो ये इस टाइप की है। मैं आपको इसको पहन कर दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है, पहनने के बाद कैसा लुक मिलता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि ये वाली अनबॉक्सिंग तो मैंने आपको कर दी, अब मैं आपको इसको पहनकर दिखाती हूँ कि ये पहनने पे कैसा लुक मिलता है, क्या है इसकी खासियत, तो वह मैं सब मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले आप स्लीपर को देख लो कि ये इसमें पॉम पॉम लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपका रेशम धागा का वर्क हो जाता है, ये फॉल्स मिरर है, यानी प्लास्टिक की मिरर वर्क है, और इसमें भी आपको पॉम पॉम मिल जाएगा। पूरे मतलब चप्पल में इस टाइप की पॉम पॉम मिल जाएगी आपको, जो काफ़ी खूबसूरत लुक देता है। साथ ही यहाँ पे इस टाइप का है, ताकि ये निकले नहीं, अच्छा से फिक्स किया हुआ है। ये इतनी लंबी दी हुई है, और ये कोल्हापुरी चप्पल है, इसलिए इस टाइप की है। और यहाँ ऊन का बना हुआ है ये, और 3 घुंघरू लगे हुए हैं जो कि साउंड करते हैं इस टाइप की। ये इस टाइप का अंगूठी के लिए है, और यहाँ पे गोल्डन कलर की लैस लगी हुई है, साथ में इसमें सितारा भी लगा हुआ है। और इसमें इसके जो सोल हैं, सोल में फ्लावर का डिज़ाइन है, फ्लावर और पत्तों का। यहाँ पर भी देख लीजिए, फ्लावर और पत्तों का डिज़ाइन है। इसके नीचे ये देख लीजिए, इस टाइप का है, इस टाइप की ये की हुई है, और 42 लिखा हुआ। ये 9 नंबर साइज़ है, मैं किसी और को गिफ्ट करने के लिए लाई थी, बट मैं उसको नहीं दी। और चलिए अब मैं आपको इसको पहन कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेसो क्या है? तो मेसो एक रीसेलर ऐप है, वहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान, कपड़े, ज्वेलरी, शूज़, जूते, चप्पल, कुछ भी, क्रीम वगैरह भी, आप कुछ भी वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और आप चाहे तो किसी को बेच भी सकते हैं, अपना 100 रुपये मार्जिन या 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के, आपको जितना मन या जितने हिसाब से वो प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आप मार्जिन लगा के बेच सकते हो। तो मेसो जो है वो रीसेलर ऐप है, वहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका
इस ऐप का डाउनलोड वाला लिंक दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको मैं इस कोल्हापुरी सैंडल का नंबर भी दे दूंगी। इसका जो मेसो पे लिंक नहीं होता है, इसमें कोड दिया हुआ रहता है, नंबर रहता है, जिसको कि आप उस पर जाकर सर्च करोगे तो आपको ये वाली जो कोल्हापुरी चप्पल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप वहाँ से आराम से खरीद सकते हो। तो देखिए ये वाली मेरी जो कोल्हापुरी चप्पल है वो कैसी लग रही है। ये कुछ इस तरह का है और यहाँ पे मैंने वेयर की हुई है अपनी आर्टिफिशियल पायल, जो कि मैं 130 रुपये की ली हूँ। ये ऑफलाइन मैंने लिया है, ऑनलाइन नहीं है, मैसो से ली हुई नहीं है कहीं भी से भी। तो ये मुझे अंगूठा का थोड़ा सा ढीला लग रहा है, बाकी इधर सब सही है। ये मुझे ढीली लग रही है बहुत ज़्यादा, आप ये देख लो, ये देख लो, बहुत ज़्यादा ढीली है। यहाँ पे मैंने मैचिंग के हिसाब से ये वाली साड़ी भी पहन रखी है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। तो ये वाली आधा जो अनबॉक्सिंग की वीडियो है वो मैंने शूट करी थी वाराणसी में और फिर मैं अपने ससुराल आ गई, तो फिर मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो आधा कंप्लीट की हूँ। तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा कि मैं किस टाइप का आपको बैकग्राउंड दिखा रही हूँ। तो जहाँ मुझे सुविधा लगी मैं वहाँ पर वीडियो आपको दिखा दी।